नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिल्कुल ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने कल जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पहले 3 क्वेश्चन कराए थे, सबने वो अच्छे से कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। कल हमने आपको सिखाया था कि जो शून्यक होता है उस शून्यक का मतलब है x का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। आज हम लोगों को वो शून्यक निकाल के दिखाने हैं। बहुत सरल सी चीज है, कैसे निकालते हैं, 6-7 सवाल दिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर का आ सकता है। तो आप लिखोगे शून्यकों के लिए, जब भी हम लोगों को किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने हैं उस बहुपद को उठा के 0 के बराबर कर दो। जो बहुपद है उसको उठा के 0 के बराबर कर दो। बहुपद है क्या है, x जमा 5 किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि ये प्लस का 5 है। जब ये उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और 0 में से 5 को घटाऊंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, -5। बेशक आप यहां रख के देख लो, -5 में +5 को जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आसान सी चीज है, चले इसकी तरफ, यहां चलते हैं। क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मैं इस वाले बहुपद के शून्यक निकालना चाहता हूं, कुछ मत करो, बहुपद के कान पकड़ो, 0 के बराबर लगा दो। अच्छा, बहुपद कौन है, एक्स माइनस 5 किसके बराबर आएगा, 0 के। ये माइनस का 5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5। तो हम कह सकते हैं कि जो x हमारे पास होगा, x का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल आसान है। अब यहां पे क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मैं किसी भी बहुपद के शून्यक निकालना चाहता हूं तो उसको उठा के 0 के बराबर, तो यहां से क्या बनेगा, 2x जमा 5 0 के बराबर, क्योंकि 5 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 गुना का है जब इसको उसके नीचे लेके जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -5/2। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना, 0 के बराबर रख के x का मान निकालते रहो। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मुझे शून्यक निकालने हैं तो बहुपद भाई साहब को फिर 0 कर दो। जब मैं इसको फिर से 0 करूंगा तो आप लिखोगे 3x माइनस का 2 किसके बराबर आएगा, 0 के। तो हम यहां से लिख सकते हैं 3x बराबर 0 जमा 2, तो यहां से लिखेंगे 3x बराबर 2, क्योंकि 3 गुना का है जब ये उसके नीचे जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2/3। बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है, है ना। इसको लिखो, क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मेरे को इसके शून्यक निकालने हैं तो क्या करेंगे, बहुपद को उठाया 0 के बराबर कर दिया, है ना। आपने सारे मत देख देख के किया करो, अब वीडियो को रोक दिया करो, बाकी क्वेश्चन अपने आप से करके देखा करो। अगर आपके सारे सही हैं तो भाई साहब खतरनाक हो फिर तो, और अगर आपके क्वेश्चन गड़बड़ हो रही है तो आपको अपनी गलती पता लग जाएगी ना। तो सारे क्वेश्चन आपको देख के नहीं करने हैं, ये तो इसके लिए करता हूं कि चलो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, किसी को किसी पार्ट की जरूरत है, किसी को किसी पार्ट की जरूरत है। इसको देखो, तो हमने लिखा अगर मुझे इसके शून्य के निकालने हैं तो 3x किसके बराबर आ गया, 0 के। तो x का जो मान मेरे पास आएगा वो आएगा 0/3। 0 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0। बिल्कुल सरल, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं, क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो बहुपद को पकड़िए 0 के बराबर कर दीजिए, कर दो। तो हमने लिख दिया ए एक्स बराबर 0, तो एक्स का मान आ गया ए गुना में है, नीचे जाएगा 0, और 0 को ए से भाग करेंगे तो भी 0, इसलिए एक्स का मान कितना आएगा, 0। तो इसकी शून्यक कितने आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, इधर चले, चलो इसको लिखो, क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो बहुपद को पकड़ो 0 के बराबर कर दो। अच्छा, तो हमारे पास क्या आएगा बोलो, सी एक्स जमा डी किसके बराबर आएगा, 0 के। तो हम यहां से लिख सकते हैं सी एक्स, डी को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 में से किसी भी चीज को माइनस करें तो माइनस का डी आता है, क्योंकि सी गुना का है
जब ये इसके नीचे जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो इसका शून्य कितना आ गया, माइनस का डी वाई सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने तो बिल्कुल सरल है, कुछ है नहीं करना, बहुपद को पकड़ो हिलाओ जीरो के बराबर रख दो, एक्स का मान निकाल दो, पहले में माइनस पांच, दूसरे में पांच, तीसरे में माइनस पांच बटे दो, चौथे में दो बटे तीन, पांचवे में जीरो, छठे में जीरो और सातवें में माइनस का डी बाई सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर, भूल जाता हूं कभी कभी, तो 2.2 जो है वो खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 के साथ। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।